गाइस, मैं हूं विनोद केवानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल क्लब। आज हम आंसर कर रहे हैं एक क्वेरी। मेरे एक इंस्टाग्राम फॉलोअर है, उन्होंने मुझे डीएम किया हुआ है। उनको वेट गेन करना है, इज अ वेरी स्किनी गाय, 23 इयर्स ऑफ एज, 5 feet 9 inches उनकी हाइट है और उनका वेट है 46 किलो। तो बहुत डेस्परेट है वेट गेन करने के लिए, मुझे 2-3 बार डीएम कर दिया उन्होंने, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, आपको कैलोरिक मेंटेनेंस फाइंड आउट करना होता है। मैं पहले भी 1 dozen वीडियोस होंगे कम से कम जिसमें बोल चुका हूँ कि पहले आप कैलोरिक मेंटेनेंस फाइंड आउट कीजिए। अब नंबर्स मुझे पहले दिए हुए थे तो मैंने कैलकुलेशन किया है। अब अजय का मेंटेनेंस होता है 1730, ठीक है। सबसे पहली टिप, आपको कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलोरिक सरप्लस में खाना होगा। आपका 1730 मेंटेनेंस है, यू हैव टू डू इट बेटर, कम से कम 400 से 500 कैलोरीज, मतलब आप करीब करीब 2200 कैलोरीज कंसिस्टेंटली खाना पड़ेगा आपको। इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं हम कि यू विल हैव टू स्टिक इट आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, स्टार्ट लिफ्टिंग। जब आप कैलोरिक सरप्लस में खा रहे हैं और आप वेट्स लिफ्ट करना चालू करते हैं, यू पुट ऑन मसल एंड देयर इज नो बेटर वे टू गेन मसल। मसल जो होती है बहुत डेंस होती है, यू नीड टू पुट ऑन मसल, दैट्स द बेस्ट वे टू गेन वेट। 3, रिपीट विथ मी, माइंड योर मैक्रोस, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन। वैसे हमारा इंडियन फूड जो है इज जनरली वेरी कार्ब डेंस, ठीक है, तो कार्ब्स और फैट जनरली वो अपनी जगह पे आ ही जाता है। आपको माइंड करना है प्रोटीन, क्योंकि जब आप वेट लिफ्ट करेंगे मसल को डैमेज होगा, रिकुपरेशन के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटीन, यू नीड चिकन, फिश, एग, और आपके केस में होल एग्स, राइट। वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो योक में प्लस 2.5-3 grams जो प्रोटीन होता है उसकी भी आपको बहुत जरूरत है, बिकॉज यू आर आफ्टर कैलोरीज, आपको कैलोरीज की बहुत जरूरत है, राइट। तो आप होल एग्स लीजिए, होल एग्स हेल्थ के लिए कोई बुरा नहीं होता है। स्टडीज हैव शोन इट्स अ मिथ कि वो आपके लिए नुकसान होता है, कोलेस्ट्रॉल दिस दैट, इट्स बुलशिट, राइट, इट्स गुड फॉर यू, यू शुड टेक होल एग्स। माइंड योर प्रोटीन, नंबर 4। अगर ये नंबर 4th जो टिप है अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पहले की 3 कोई काम नहीं करने वाली। द 4th टिप इज पेशेंस। ये 3 टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं और पेशेंस नहीं है, आप लूज कर गए पेशेंस समझिए 1 महीने में, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। यू विल हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 6 months। जनरली माई एडवाइस टू यू वुड बी 12 months। डू दीज थिंग्स कंसिस्टेंटली फॉर अ ईयर, बट कम से कम कुछ अच्छे रिजल्ट देखने के लिए अपने आपको 6 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे। एंड यू विल हैव टू फॉलो दीज फर्स्ट 3 टिप्स रिलीजियसली विद द 4th one, पेशेंस। एंड बॉटम लाइन, द 5th टिप इज कैलरीज इन वर्सेज कैलरीज आउट। आपका कैलरीज इन जो है हमेशा ज्यादा होगा, होना चाहिए अगर आपको वेट गेन करना है तो, राइट। इट्स द सिंपल थिंग, कैलरीज इन वर्सेज कैलरीज आउट, ये आउट है कम है यू विल गेन वेट, ये उल्टा है यू लूज वेट, राइट। सो आपके लिए कैलरीज इन बहुत जरूरी है, कैलरीज इन शुड बी हाई ऑलवेज। टिप नंबर 1, सरप्लस विद ऑल दीज थिंग्स, बॉटम लाइन यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन कैलरीज इन एट अ हाई, राइट। सो दीज वर माई 5 टिप्स फॉर गाइस वांट टू गेन वेट वर स्किन, राइट। तो अगर ऐसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको वेट गेन करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, कमेंट मी योर एज, हाइट एंड एक्टिविटी लेवल एंड आई विल गेट बैक टू यू विद योर कैलोरी मेंटेनेंस इन योर सरप्लस, राइट। जिन लोगों ने कमेंट किया है वो जानते हैं कि मैं हर एक कमेंट पे जाकर रिप्लाई करता हूँ, और यू कैन ऑल्सो शूट मी एन ईमेल, देयर इज एन ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो सब्सक्राइब करके जाओ यार, राइट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, वी के साइनिंग ऑफ, पॉज।